गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष आर्य, आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। हम अभी ME 303 एयर पम्प्स एंड कूलिंग टावर की वीडियो लेक्चर सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एयर पम्प और कूलिंग टावर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, उनके सब टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके अलावा एयर पम्प के अंदर हमने वेट एयर पम्प और ड्राई एयर पम्प को डिस्कशन कर लिया था, उसके अलावा हमने कूलिंग टावर के टाइप को भी डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने मैकेनिकल कूलिंग टावर, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम वेट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने कूलिंग टावर के टाइप्स को देखा, जो कि हीट ट्रांसफर मेथड और एयर फ्लो जनरेशन मेथड के आधार पर सब क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे हमने नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसके अंदर जो नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है, उसके अलावा हमने मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेट कूलिंग टावर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेट कूलिंग टावर होता क्या है। वेट कूलिंग टावर को हम ओपन सर्किट कूलिंग टावर भी कहते हैं, जो कि एक इवोपरेटिंग कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वेट कूलिंग टावर कौन किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इवोपरेटिंग कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इवोपरेटिंग कूलिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। एज एयर एंटर द टावर इज अनसेचुरेटेड एंड वेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर स्प्रे देन वाटर कंटिन्यूज टू इवेपोरेट टिल द एयर बिकम सेचुरेटेड। जैसा आप सभी को पता है कि कूलिंग टावर के अंदर हम एक एंड से हॉट वाटर को एंटर करवाते हैं और दूसरे एंड से एयर को एंटर करवाते हैं, और दोनों आपस में मिक्स होकर एक दूसरे से हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जो हम एयर एंटर करवाते हैं वो अनसेचुरेटेड होती है, मतलब कि उसका जो मॉइस्चर लेवल होता है वो मैक्सिमम नहीं होता है, तो वो अनसेचुरेटेड है। मगर जब ये एयर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वाटर का इवोपरेशन स्टार्ट होता है, जिसके कारण आपकी एयर सेचुरेट हो जाती है। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। आप सभी ने साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के बारे में डिस्कशन पढ़ा होगा, जो कि एक कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी कहलाता है या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहलाता है। तो जो इवोपरेशन है वो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के ऊपर होता है या कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, जब ये प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया, जब हॉट वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस समय एयर की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिसके कारण इसको एक कांस्टेंट एंथैल्पी या एडियाबेटिक प्रोसेस कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? एज एयर लूजेज सेंसिबल हीट बाय एन अमाउंट इक्वल टू द लेटेंट हीट गेन। अब यहाँ पर एयर जो कि वाटर के कांटेक्ट में आती है वो अपनी सेंसिबल हीट को लूज़ करती है, और वो जो जितना अमाउंट सेंसिबल हीट का लूज़ करती है उतना अमाउंट लेटेंट हीट का गेन भी कर लेती है, जिसके कारण उसकी नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। द एनर्जी इज मियरली कन्वर्टेड फ्रॉम सेंसिबल एनर्जी टू लेटेंट एनर्जी नेसेसरी टू इवेपोरेट वाटर। जितना वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो सेंसिबल एनर्जी चाहिए वो सेंसिबल एनर्जी लेटेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। विच कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एयर। जैसा आपको पता है कि सेंसिबल एनर्जी का लूज हुआ तो उसका मतलब है कि एयर का टेम्परेचर कम होगा, और साथ में यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर भी कम होता है क्योंकि वाटर का इवोपरेशन हो रहा है। इन इवोपरेटिंग कूलिंग प्रोसेस बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर चेंजेस अलोंग द लाइन ऑफ द कॉन्स्टेंट वेल्ब टेम्परेचर। आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है ये मैं बताता हूँ ए टू बी ए सी, इस लाइन के ऊपर आपकी एयर का मॉइस्चर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर कम हो रहा है और मॉइस्चर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंसिबल एनर्जी कम हुई तो सेंसिबल एनर्जी का लूज़ हुआ, तो सेंसिबल एनर्जी का लूज़ होने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना, और एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड हो रही है तो मतलब वाटर आपका मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ना। अब क्या होता है कि द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड, एक कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर तक, उस मिनिमम टेम्परेचर तक हम वाटर को कूल कर सकते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा होगा?
इट इज़ द एडियाबेटिक सेचुरेशन और वेट बल्ब टेम्परेचर. वो जो टेम्परेचर है उसको एडियाबेटिक सेचुरेशन या वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है. उस टेम्परेचर के ऊपर एयर 100% सेचुरेटेड हो जाती है. इसका मतलब यह है कि उसके बाद उस एयर के अंदर हम मॉइस्चर को ऐड नहीं कर सकते. उस स्टेट पर एयर 100% सेचुरेटेड है. तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वाटर को हम कूल कर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हम वाटर को कूल कर सकते हैं, वो है एडियाबेटिक सेचुरेशन या वेट बल्ब टेम्परेचर. उसके बाद उस एयर के अंदर हम और वाटर वेपर को अब्जॉर्व नहीं करवा सकते. सो देयर विल बी नो फर्दर इवोपरेशन एंड कूलिंग. उस पॉइंट के बाद कोई भी कूलिंग या इवोपरेशन नहीं होता है. पर एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, जैसे ही ये ह्यूमिड एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो और वार्म वाटर, जो और हॉट वाटर रहता है, उसके कॉन्टैक्ट में आती है. और तो उससे क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर फिर राइज होना स्टार्ट कर देता है. पहले तो एयर का टेम्परेचर लूज़ होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंसिबल हीट का लूज़ होता है. पर जैसे ये ह्यूमिड टेम्परेचर एयर है ऊपर की तरफ मूव करती है तो और हॉट वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है और एयर का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं वेट कूलिंग टावर क्या होता है. इट हैव ए हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेट स्प्रे वाटर इवनली फ्रॉम ए लैटिस ऑफ हॉरिजॉन्टल बार कोल्ड फिल और पैकिंग. यहाँ पर आपको एक हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर वाटर को स्प्रे कराया जाता है. किसके ऊपर? हॉरिजॉन्टल बार, जिसको हम फिल या पैकिंग कहते हैं, उसके ऊपर वाटर को स्प्रे कराया जाता है. आउटसाइड एयर एंटर ऑन द साइड ऑफ द टावर, यहाँ से आउटसाइड एयर एंटर करती है. द फिल थ्रोली मिक्सेज द फॉलिंग वाटर विद एयर मूविंग थ्रू द फिल. ये जो फिल है इसका क्या कार्य है? ये वाटर को मिक्स करती है जब एयर एंटर करती है. कहाँ से? नीचे की डाउन साइड से जब एयर एंटर करती है तो ये जो फिल की सहायता से एयर और वाटर आपस में मिक्स होते हैं. और जब ये वाटर एक फिल से दूसरे फिल की तरफ या एक बार से दूसरे बार की तरफ ग्रेविटी की सहायता से डाउनवर्ड मूव करता है. मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एयर एनहांस हीट एंड मास ट्रांसफर. इस वाटर और एयर की मिक्सिंग से हीट और मास ट्रांसफर होता है जिससे कि वाटर कूल होता है. वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर कूल होता है. जितना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगी, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वाटर के से भी लिया जाता है. एक लिमिट के बाद जब आपका ऑल वाटर इवेपोरेशन होगा तो मोर विल बी द कूलिंग सिंस द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम वाटर इटसेल्फ. वाटर से लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ली जाती है. कोल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन कंक्रीट बेसिन एट द बॉटम ऑफ द टावर. यहाँ पर डाउनवर्ड साइड में कोल्ड वाटर का कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड हॉट एंड मॉइस्ट एयर लीव्स द टावर फ्रॉम द टॉप. और हॉट और ह्यूमिड मॉइस्ट एयर वो टावर को ऊपर की तरफ से लीव कर देती है. अब हम आप ये वापस से इसको समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या समझा है. आज हमने देखा है कि वेट कूलिंग टावर क्या होता है. तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेट कूलिंग टावर इवोपरेटिंग कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है. और इवोपरेटिंग कूलिंग क्या होती है? जैसा कि आप सभी को पता है, जब एयर कूलिंग टावर में एंटर करती है तो वो अनसेचुरेटेड होती है. उसका जो मॉइस्चर लेवल मैक्सिमम लेवल पर नहीं होता है. जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वाटर का इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है और एयर मॉइस्चर लेवल को अब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देती है. ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के ऊपर होता है, या इसको कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहा जाता है. जैसा आप सभी को पता है कि इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. ऐसा क्यों है? एज एयर लूजेज सेंसिबल हीट बाई एन अमाउंट इक्वल टू द लेटेंट हीट गेन. जैसा कि आपको पता है, जब एयर वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है तो एयर सेंसिबल हीट को लूज करती है, साथ में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब भी करती है. तो जितनी सेंसिबल हीट को उसने लूज किया उतना हीट का उसने उतना ही लेटेंट हीट का गेन किया. तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एयर के अंदर कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब कि उसका कोई चेंज नहीं होता है. इसलिए इसको एडियाबेटिक या कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी कहा जाता है. जो एंथैल्पी आप यहाँ पर देखिए, सॉरी, इन जो इवोपरेटिंग कूलिंग प्रोसेस है उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एयर की चेंज होती है. आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर एयर का जो टेम्परेचर वो कम हुआ और ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ गया. अब
एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर हम उससे नीचे हम वाटर को कूल नहीं कर सकते, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा एयर का जब एयर 100% सेचुरेटेड हो जाए, और उस टेम्परेचर को कहते हैं एडियाबेटिक सेचुरेशन या वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसके बाद में एयर कोई भी वाटर वेपर को अब्जॉर्व नहीं करती है, उसके बाद कोई भी फर्दर इवेपोरेशन और कूलिंग नहीं होता है, ठीक है। और ये वेट बल्ब, हमने वेट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन किया, कैसे वाटर ऊपर की साइड से यहाँ पर एंटर करता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार्स लगी होती है जिनको हम इफिल कहते हैं, और जब ये वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो इवनली मिक्स हो जाता है, और यहाँ से हम एयर को एंटर करवाते हैं। जैसे कि ये वाटर एक बार से दूसरी बार के ऊपर मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ग्रेविटी की सहायता से, और एयर हमने यहाँ से मूव कर एंटर करवाई, तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर हीट एंड मास का ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि वाटर कूल होता है। जितना ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी, उतनी ज़्यादा लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन वाटर के से लिया जाएगा और उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। कोल्ड वाटर को हम कंक्रीट बेसिन पे बॉटम ऑफ टावर पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके कारण हम उस वाटर को वापस से कंडेंसर में यूज कर लेंगे, और जो एयर है, जो हॉट ह्यूमिड एयर है, वो कूलिंग टावर के टॉप साइड से बाहर की तरफ एग्जिट कर जाती है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हैं कूलिंग टावर के असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कूलिंग टावर की रेंज है, कूलिंग टावर की अप्रोच है, उसके अलावा कूलिंग एफिशिएंसी है, और लास्ट टॉपिक हमारा ड्राई कूलिंग टावर रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।